बीसीसीआई और कोहली के बीच चल रहे विवाद सुर्खियों पर है। इसी बीच कोहली प्रैक्टिस सेक्शन में एक्शन में नजर आए, साथ ही प्रैक्टिस करते हुए कोच द्रविड़ के साथ जमकर मस्ती भी की। बता दें कि टीम इंडिया टेस्ट और वनडे सीरीज खेलने के लिए साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी है। इसी दौरान बीसीसीआई ने भारतीय टीम के पहले प्रैक्टिस सेक्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें टेस्ट कैप्टन विराट कोहली और हेड कोच राहुल द्रविड़ टीम के साथ फुटबॉल खेलते नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते सोने चांदी में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट की बात की जाए तो सराफा बाजार में इस हफ्ते सोना 642 रुपए महंगा होकर 48,791 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। वहीं एक बार फिर चांदी 62,000 के करीब पहुंच गई। हरियाणा में ठंड का असर देखा जा रहा है। दूसरे दिन भी प्रदेश के अधिकतर जिलों में कोहरा छाया रहा। प्रदेश में शीतलहर के चलते कई क्षेत्रों में पारा 3.6 डिग्री तक आ गया है। मौसम विभाग की ओर से अगले 2 दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ने के साथ पाला जमने की भी चेतावनी दी गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों में है। उन्होंने लेटेस्ट जावेद अख्तर मानहानि मामले में अब मुंबई की बोरीवली सेशन कोर्ट का रुख किया है। कंगना ने सेशन कोर्ट में मानहानि केस को ट्रांसफर करने वाली याचिका के फैसले को चुनौती दी है। खबरों के मुताबिक जावेद अख्तर ने अपने वकील निरंजन मुर्दगी के जरिए 2 नवंबर 2020 को एक प्राइवेट शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 499 मानहानि और सेक्शन 500 मानहानि के लिए सजा के तहत आरोप लगाए थे। राजधानी जयपुर के सीकर जिले में 2 दिन पहले व्यापारी की पत्नी और बहू की बहरहमी से हत्या के मामले का खुलासा हो गया है। श्री माधोपुर पुलिस ने हत्या के आरोप में 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने के साथ ही लूटे गए 50 लाख रुपए की बरामदगी के प्रयास कर रही है। चीनी दूतावास ने कुछ तस्वीरों को ट्वीट किया है। इन तस्वीरों में 2 दिन पहले श्रीलंका में चीन के राजदूत चीन जैन होंग ने तमिल बहुल इलाके में स्थित हिंदू मंदिर का दौरा किया। बता दें कि यह इलाका भारत के लिए काफी अहम है। दरअसल इसी क्षेत्र में तमिलों का हिंसक आंदोलन चला था। भारतीय तमिलों का इस इलाके में भावनात्मक लगाव माना जाता है। यही वजह है कि चीनी राजदूत के मंदिर दौरे पर भारत और इसके एक्सपर्ट की भी नजर है। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में नीति आयोग के सदस्य विकी पॉल ने चिंता जाहिर की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर पॉल ने कहा कि अगर ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के संक्रमण का पैमाना देखा जाए और भारत की आबादी से उसकी तुलना की जाए तो संक्रमण फैलने पर भारत में रोजाना 14 लाख तक केस सामने आएंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज़9।